शाबाश चलो निर्मला आप बताओ। बताओ निर्मला माइक ऑन करो। हाँ बताओ क्या होगा पहला स्टेप। चलो स्टेप वाइज बताओ। सर 9E, नाइन ई सॉरी 10। अच्छा 9E। पहले लेफ्ट नाइन इक्वेशन। ई प्लस हाँ फाइव हाँ ई 9E+5E +5e यानी कि ये जो -5e है इसको हमने लेफ्ट साइड में लाया तो इसको कट कर देते हैं और -13E। -13e। वेरी गुड। तो ये जो +13e है इसको भी कट कर दिया। अब राइट साइड में क्या बच गया? एक तो बच गया +14 और यहाँ पे भी ये बच गया +4। तो +4 को जब हम राइट में लाएंगे क्या बन जाएगा? वो -4। -4। तो अब लेफ्ट साइड में इनको सॉल्व करो। दीज आर ऑल लाइक टर्म्स, इनको ऐड करना है। कितना हो जाएगा ये? नाइन नाइन +5, ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 9 और 5 होता है 14, और नहीं 14 -13 तो वन नहीं वन ई यानी कि ओनली ई लिख सकते हैं। 1e लिखें या ई लिखें वो एक ही बात है। तो यहाँ पे 1e कितना हो जाएगा? 10। 10। बस यही तो है, हमको तो ई का वैल्यू फाइंड करना था। तो ई का वैल्यू होगा 10। तो हम यहाँ 10 लिखेंगे। इसी तरीके से सॉल्व फॉर डी। अब डी का वैल्यू फाइंड करना है। शाबाश, बाकी भी करेंगे अब जल्दी से। अब कोई और मेरे को बताएगा? कौन बताएगा? हिमांशु आप बताओ क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। शाबाश बताओ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। चलो युक्ति यू टेल मी। माइक ऑन करो युक्ति। या युक्ति हाँ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट यू पुट इक्वेशन साइन देन ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड। डी को जो लाइक टर्म्स है एक साइड पे लेना है। तो यू कैन आइदर यू कैन पुट दिस 5d ऑन लेफ्ट साइड। डी इज इक्वल टू अच्छा टू पहले सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप वाइज बताओ ना। 2d ये फाइव सर +5d को हमने लेफ्ट में लाया तो ये बन गया -5d। सब सब्सट्रैक्ट और 10 राइट साइड में 10 है, +4 को इधर लाया ये बन गया -4। सो 2d -5d कितना होता है? थ्री डी नहीं होगा, -3d होगा, -3d। नेगेटिव थ्री डी इज इक्वल टू 10 -4 10 -4 6। इज 6। तो नेगेटिव 3d इज इक्वल टू 6। तो d कितना होगा? D is equal to 2 minus 2।
हाँ, 6 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 3 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 2, सो डी इज योर नेगेटिव 2। हाँ, अगर आप सिर्फ 2 लिखोगे तो आंसर करेक्ट नहीं होगा, तो वी विल राइट नेगेटिव 2 एंड देन चेक। तो देखो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर पी। शाबाश। अब कौन बताया गया? अब संजना, यू ट्राई भाई, कौन करो। हाँ बताओ क्या करना चाहिए। बीच में इक्वल का साइन लिखो। अब या तो इस 2p को आप राइट में ले जाओ, या तो इन दोनों, इसको और इसको लेफ्ट में ले जाओ। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है, उससे बेटर क्या है, नेगेटिव 2p को हम राइट में ले जाते हैं। तो राइट में क्या मिलेगा हमारे को, एक तो ये 2p है और ये पॉजिटिव 2p है, 2p प्लस 2p प्लस 2p। और प्लस 2p, वेरी गुड। और लेफ्ट में क्या बच गया, 17, और अब बच गया पॉजिटिव 5। पॉजिटिव 5 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो वो क्या बनेगा, -5 नेगेटिव सर, 5। तो नेगेटिव राइट साइड में क्या बनेगा, सर, 2। 2। क्या नहीं, पहले राइट साइड में बताओ ना क्या लिखूं। और ठंडी ज्यादा है ना। 2p प्लस 2p प्लस 2p कितना हो गया, सर, 6p। 6p। और लेफ्ट साइड में 17 माइनस 5 12। 6p मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई पी, देयरफॉर पी क्या होगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये 6 यहाँ आ जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 6। सर, पी इज इक्वल टू 2। हाँ, तो जो वेरिएबल है वो कहीं भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू ये तो होमवर्क है, तो बहुत इजी है, ऐसे कर लो। शाबाश। कौन करेगा अब, किसने नहीं किया है? हिमांशु आप बताओ। बताओ जल्दी से भाई, कौन किया करो फटाफट, मेरा ना टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर नहीं करना है तो बोलो नहीं सर नहीं करना है। हाँ चलो, नीरू सर, निर्मला आप कहना है बता। हाँ, सर, ए माइनस 4a ए माइनस सर, 4a ए इज इक्वल इज टू इक्वल माइनस टू फोर इज इक्वल टू नेगेटिव 3 प्लस 15। तो ये लेफ्ट साइड में कितना बन कितना हुआ, लेफ्ट साइड -3a -3a और राइट साइड +12। सो ए किसके बराबर होगा। 4 -4। हाँ -4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू -4 -4 एंड वी विल चेक। ये हो गया कंप्लीट। सो हमने यस कौन सर, सी एक्सरसाइज कर ली, हमने एक्सरसाइज हमने की एक्सरसाइज 8, A8, A83।
सो A83 कर लिया, A82, A81। तो नेक्स्ट क्लास में हम A84 करेंगे, इक्वेशन विद पेरेंथिसिस। पेरेंथिसिस हो गया ब्रैकेट, यानी कि अब हमारे पास कहीं पे ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्या है कि यू शुड प्रैक्टिस दीज थ्री, इनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस A81, A82 एंड A83, ओके। चलो देन, ओके देन, बाय एवरीवन, बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।